ये मेरी खिदमतें हो रही हैं भाई साहब। अम्मी ने दुपट्टा नहीं लिया, मैं अम्मी को नहीं लूँगी बीच में। अम्मी दुपट्टा लेगी फिर लूँगी। आप उतनी दे रही है शैतान को, देखो भाई। वेरी गुड, उधर रख, उधर रख देना। छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। और ये घर का खाना कितने दिनों के बाद मिस हो रहा है मेरे को। पराठे शराठे, जाओ ऊपर से होयो। अंडे की टिक्कियां, फिर तू चाय पीनी, फिर खाना भी।
एवरीवन, क्या हालचाल है। इस वक्त मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं अपनी स्कूटी को जो है वो राइड कर रही हूँ और मैं मार्केट में निकली हुई हूँ। और हाँ जी, सेव भी कर दो, कितने बिलों कर दो। तो इस वक्त मैं सूट जो है वो ख़रीद रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, और लाहौर के मज़े ही अलग है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं स्कूटी राइड कर सकती हूँ। वहाँ पे मेरे पास स्कूटी नहीं है, वहाँ पे भी राइड कर सकती हूँ लेकिन वहाँ पे स्कूटी रख नहीं पा रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे मैं इसको रखूँ। तो इस वक्त मैं रोड्स पे निकली हुई हूँ और मज़े मज़े की शॉपिंग जो है वो कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। अभी मैं देखो स्ट्रीट शॉपिंग कर रही हूँ, अपने अम्मी अबू के लिए ले रही हूँ सूट्स। सो मज़े आ रहे हैं बड़े। सो आई एम बैक होम। मज़ा आ गया, मज़ा। आज तो मुझे इतने अरसे के बाद मैंने अपनी स्कूटर चलाई है, बड़े मज़े आए हैं कसम से रोड पे निकल के। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। पर दो महीने के बाद मैंने इसको हाथ लगाया, इसको चलाया, लेकिन एक सेकंड के लिए भी ये चीज़ फील नहीं हुई कि मैंने कभी इसको मैंने कभी इसको राइड नहीं किया। बड़े मज़े से मैंने इसको राइड किया आज, बहुत मज़ा आया। अब तो जब तक हूँ मैं यहाँ पे इसकी केयर नहीं है, क्रैंक की भी इसकी फुल करा ली है, बस अब तो ये चलती ही रहेगी ऐसे ही। और ये भी शायद मुझे बड़ा मिस कर रही थी इसलिए इसने मुझे राइड करने दिया और बड़े आराम से राइड करने दिया। सॉरी, पीछे वो मोटर चल रही है, लाइट आई है ना तो उसकी वजह से अभी पानी जो है वो भरा जा रहा है टैंकी में, तो इस वजह से तो उसको बेयर कर लें आप लोग, उन्हें करना है नहीं करना तो मर्जी है आपकी भाई साहब। और ये मेरी स्कूटी। ये हालत है मेरे कमरे की इस वक्त। ये सारे कपड़े जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ, कुछ गर्मियों के कपड़े हैं, अब ये गर्मियों के जो कपड़े हैं ये वाले, ये सारे के सारे रिप्लेस होंगे सर्दियों के कपड़े के साथ। और सर्दियों के कुछ ये अबायास वगैरह थे क्योंकि मैंने यहाँ पे रहना था तो कुछ दिनों के लिए, बाहर तो जाहिर सी बात है मुझे निकलना ही था, तो इसके लिए मैं ये अपने कुछ स्कार्फ्स भी लाई हूँ, लेकिन साथ में कुछ अबाया और स्कर्ट्स वगैरह ले आई उठा करके। बाहर जाऊँगी तो चलो कुछ ना कुछ तो मैंने यूज़ करना ही है ना, ऐसा थोड़ी ना होगा फिर। और मेरे आने के बाद मेरे कमरा बेचारा गहरा होगा कि मनूस फिर आ गई है गंदवान वास्ते। बट कोई नहीं, कुछ दिनों की बात है, जब तक हूँ तब तक ये सब चीज़ें जो है ना वो चलती रहेंगी। सो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बाहर गई थी अपनी स्कूटी लेके, बड़ा मज़ा आया मुझे अपनी स्कूटी चला के। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा ना तो अभी क्योंकि मैं अपने सर में ऑयलिंग करने वाली हूँ, अंडा और तेल और सरसों का ऑयल और साथ में दही जो है वो डिप करके मिक्स करके फिर अपने सर पे थोप लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करूँगी, नहाऊँगी। सो अभी जो है मैं जाती हूँ, और मैं दो महीने मुल्तान रह के आई हूँ, उसकी फीलिंग्स जो हैं वो मेरी तो आप लोग जानते ही रहते थे कि कैसी थी। और अब मैं अम्मी और अब्बू की जो फीलिंग्स हैं, अभी आपने अम्मी से बात तो की, अम्मी ने आप लोगों से बातचीत तो की लेकिन उस तरह से नहीं की, तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि मुझे अपनी वो फीलिंग्स बताएं कि मैं आप लोगों के पास में नहीं थी तो आप लोगों को कैसा फ़ील हुआ। तो वो फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और कल जो है हम लोग हारून का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 5 तारीख को उसकी बर्थडे होती है, 5 नवंबर को, लेकिन हम लोग कल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस महीने मेरी भी है बट पता नहीं मैं सेलिब्रेट करूँ कि ना करूँ, तो मुझे नहीं पता, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर अभी जो है मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को मेरा ये चटपटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरे साथ में बाहर घूम के। और घुमाया तो नहीं मैंने इतना लेकिन फिर भी अच्छा लगा होगा, मैं इतने दिनों के बाद स्कूटी चलाई मैंने, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ओके कैसा लगा आप लोगों को। और मिलती हूँ आपको इस वीडियो के बाद, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा और अपना तो रखना ही रखना है ना। चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ आपको।